आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नारायण सिंह वशिष्ठ सर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कल इनका देहांत हो गया और हम यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा को भगवान शांति दे। कौन है नारायण सिंह वशिष्ठ? नारायण सिंह वशिष्ठ एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे दोस्तों। इनके बारे में ये बोला जाता है कि अगर इनकी थीसिस, इनकी रिसर्च पूरी हो जाती और ये और ज्यादा काम कर लेते तो डेफिनेटली इनको नोबेल प्राइज मिलता। जो ये दूसरी रिसर्च कर रहे थे, इनको इनका नोबेल प्राइज पक्का था। सदी के महान वैज्ञानिकों में इनकी गिनती होती और भारत को एक महान गणितज्ञ मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीमार पड़ गए, इनकी थीसिस चोरी हो गई थी। बहुत बुरा असर डाला था जब इनकी थीसिस चोरी हुई थी और इनको बहुत ज्यादा दुख हुआ था। ठीक है, तो नारायण सिंह वशिष्ठ पे आज हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि जब नारायण सिंह वशिष्ठ का देहांत हुआ, एक तो बिल्कुल ये मतलब गुमनामी में इनका देहांत हुआ, कोई भी इनको जानता नहीं था। आई होप आप भी इनको नहीं जानते होंगे। ठीक है, इनका बिल्कुल गुमनामी में देहांत हुआ। जीते जी तो सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन जब इनका देहांत हुआ उसके बावजूद एम्बुलेंस नहीं आई बहुत टाइम तक। सरकार तो छोड़िए, हॉस्पिटल ने भी एम्बुलेंस नहीं भेजी इनके लिए। पैसे नहीं थे परिवार के पास, 1.5 घंटे तक इनका शव ऐसे ही पड़ा रहा। तो इतनी मतलब हम क्या है, क्या सिस्टम हो गया है, कैसी सरकार, समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों कि एक इंसान, एक इतना बड़ा टीचर जिसने भारत को बहुत कुछ दिया, बिहार का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में रोशन किया बिहार का नाम, और उसको इस तरीके की हालत में छोड़ा गया। बहुत दिक्कत की बात है। जब पता चला नीतीश कुमार को, तो उसके बाद वो दौड़े दौड़े आए और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के लिए रेड कार्पेट बिछा दी गई। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के लिए रेड कार्पेट बिछा दी गई, तो दौड़े दौड़े आए। उसके बाद फिर सारे मिनिस्टर्स ने बहुत सारे बयान दिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ट्वीट आया कि बहुत बड़ा लॉस है ये। उसके बाद फिर इनको राजकीय सम्मान मिला। लेकिन ये तो बात की बात है ना, उससे पहले जब तक ये जिंदा थे तब तक तो इनकी कोई सुध नहीं, और जब इनकी मृत्यु भी होगी तो भी हॉस्पिटल ने कोई इनको एम्बुलेंस नहीं भेजी। देख लीजिए दोस्तों, ये तो नारायण सिंह वशिष्ठ सर है, ऐसे कितने महान लोग होंगे जिनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा होगा इस समय। कोई भी सरकार का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, और क्या कुछ उन्होंने किया होगा भारत के लिए, आप सोचिए जरा, सोचना चाहिए। तो आज हम नारायण सिंह वशिष्ठ की बात करेंगे, इनके जीवन की बात करेंगे। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये आखिरी वक्त की तस्वीर है नारायण सर की। आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितनी बड़ा मतलब कैसा, तो देख के ही मेरे एकदम इमोशनल हो गया था कि मतलब एक इतना कुछ उन्होंने भारत के लिए किया और ऐसा ऐसी हालत हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं, ये इनके बड़े भाई हैं, ठीक है, और ये इंतजार कर रहे थे घंटों तक। इनके परिवार वालों ने इंतजार किया कि एम्बुलेंस आएगी, लेकिन आई नहीं। बाद में फिर जब सरकार ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद फिर 1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस आई और उसके बाद फिर इनके शव को ले जाया गया और उसके बाद फिर इनको राजकीय सम्मान मिलेगा ऐसा बोला गया है और पूरा फिर मीडिया में चला, आपने देखा। लेकिन जीते जी तो इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, बड़ी ये दयनीय तस्वीर है, मैं क्या बताऊं। देख सकते हैं बाहर इनका शव पड़ा हुआ है, कैसी जगह है पूरा, बहुत ही खराब, क्या बताएं आप। तो 2 अप्रैल 1942 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। लाल बहादुर सिंह और लासो देवी इनकी, इनके माता पिता बसंतपुर में जन्मे थे। गरीब परिवार था, बहुत अमीर नहीं थे। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वही बिहार, चाणक्य का बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार। कितने महान महान लोग बिहार में आए हैं, और एक नारायण सिंह वशिष्ठ भी थे। तो नारायण सिंह वशिष्ठ का जन्म बिहार में हुआ था। इनकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो नेतर हात रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि वहां का एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल माना जाता है, ठीक है, यहाँ पे हुई। अब ये गुरुकुल यहाँ पे सिस्टम टाइप का है कि यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं हॉस्टल में, उनको बर्तन भी मांजना होता है, खाना भी बनाना होता है, यहाँ पे भेदभाव नहीं होता। तो इनके दोस्त बताते हैं कि इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे, कॉलेज टॉप किया इन्होंने स्कूल में। मैथ्स तो छोड़ ही दीजिए, जितने भी सब्जेक्ट थे, इंग्लिश में भी बहुत अच्छे, हिंदी में भी बहुत अच्छे, टॉपर रहे हैं भैया स्कूल के। यहाँ पे इनके दोस्त बताते हैं कि जब हम लोग 9th क्लास में थे तो हम लोग, जो हमारी उसी क्लास की मैथ्स थी, हालत खराब हो जाती थी, ठीक है, हालत खराब हो जाती थी उसी क्लास की मैथ्स लगाने में। लेकिन हम देखते थे कि जो नारायण है वो कॉलेज की मैथ्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, वो बढ़िया आराम से पूरी नंबर थ्योरी और फुल ऑन एलजेब्रा कैलकुलस पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पूरा एकदम लगे पड़े हैं। तभी पता चल गया था टीचर्स को, तभी पता चल गया था ये बहुत बड़े जाने वाले हैं, ये बहुत ही, इनका जो नाम है वो इतिहास में लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और किस्सा है कि ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि एक्टिंग में भी बहुत ही बढ़िया थे, ठीक
ठीक है, इनके स्कूल में जो प्लेज होते थे उसमें जब भी ये भाग लेते थे, ऐसी स्वाभाविक एक्टिंग करते थे, स्वाभाविक अभिनय होता था इनका कि हर कोई देखता रह जाता था। तो मल्टी टैलेंटेड थे यहां पे नारायण सिंह। बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत ही जल्दी इन्होंने ट्वेल्थ पास किया, कॉलेज टॉप किया, ठीक है, स्कूल में टॉप किया, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस समय तीन लोग खाली पटना यूनिवर्सिटी में, मतलब इनके कॉलेज से नेताराट से तीन लोग गए थे पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, ठीक है, मतलब एडमिशन उनको मिला। पटना यूनिवर्सिटी आपको पता ही है दोस्तों, बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। अब यहां पे क्या हुआ कि वशिष्ठ नारायण सिंह जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में उनको दाखिला मिला। एक बार क्या हुआ कि इनके टीचर पढ़ाने आए, तो टीचर जो है वो मैथ्स का सवाल जो है वो बता रहे थे, तो सर ने ये बोला, ठीक है, वशिष्ठ सर ने ये बोला कि गुरु जी एक बात बताइए, क्या इस सवाल को दूसरी तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। मैथ्स को आपको पता ही है दोस्तों, एक सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और जो बेस्ट टेक्निक होती है वही हम लेते हैं, ठीक है। तो सर ने बोला कि क्या इसको किसी दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब वो टीचर थे, टीचर का ईगो आपको पता ही है दोस्तों, उनका ईगो हर्ट हो गया, उन्होंने वशिष्ठ सिंह को उठाया, बोला कि चलो मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस, तुमको शर्म नहीं आती, मुझ पे सवाल उठा रहे हो। सर ने बोला कि अरे अब मैं आपके सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्या किया जा सकता है, कि तो हाँ प्रिंसिपल को बताना हो चलो। तो उस समय हम ये देखते हैं जो प्रिंसिपल थे भैया, उनका नाम नागेंद्र नाथ, और नागेंद्र नाथ खुद भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, रमन इफेक्ट में उनका बहुत बड़ा हाथ था, नाथ रमन इफेक्ट जो बाद में। तो यहां पे नागेंद्र नाथ प्रिंसिपल थे, तो नागेंद्र नाथ समझते थे टैलेंट को, वो समझते थे। तो अब सर उनके सामने आए, ठीक है, नागेंद्र नाथ बोले कि क्या तुमको बहुत ज्यादा, मतलब तुम्हारी अंदर की मैथ्स उफान मार रही है, बहुत कठिन सवाल दिया, जो सबसे टफ सवाल था वो दिया वशिष्ठ नारायण सिंह को, सर को वो सवाल दिया और बोला कि चलो सॉल्व करके दिखाओ, क्लास में बहुत उछल रहे हो, यहां सॉल्व करो। मिनटों में सर ने उस सवाल को सॉल्व कर दिया। उसके बाद जो नागेंद्र नाथ थे वो हक्के बक्के रह गए, उनको कुछ भी नहीं सूझा और एकदम ऐसा लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई उनके, गर्व से उनका सीना जो है वो चौड़ा हो गया, उनकी छाती, उनकी पीठ को थपथपाया, बोला कि बहुत अच्छे बेटा, रूल्स बदल दिए थे यूनिवर्सिटी ने अपने, फर्स्ट ईयर में थे बीएससी के, थर्ड ईयर का एग्जाम दिला दिया ताकि फटाफट इनका अंडर ग्रेजुएशन पूरा हो। और जैसे ही इन्होंने बीएससी पूरा किया, मतलब एक साल स्किप कर दी, रूल होता है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, भैया एक आपको सारी क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी तभी तो आप आखिरी क्लास तक जाएंगे ना, लेकिन यहां पे फर्स्ट ईयर पढ़े फिर सीधे थर्ड ईयर में आ गए और उसके बाद तुरंत इन्होंने एग्जाम दिया, उसी साल एग्जाम दिया, तो बहुत ही बढ़िया हुआ। जिस दिन, मतलब फर्स्ट ईयर में इन्होंने थर्ड ईयर का एग्जाम दे दिया, उसके बाद इनका बीएससी पूरा हुआ, फिर एमएससी में गए, एमएससी में भी यही हुआ, एमएससी में भी डायरेक्ट इन्होंने सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया, फटाफट इनकी हम ये देखते हैं 21 साल की उम्र में इनका बीएससी प्लस एमएससी पूरा हो गया दोनों। ये तो इतनी छोटी सी उम्र में इनका बीएससी एमएससी पूरा हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर केली आए थे, बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर केली, ठीक है, बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं ये जॉन एल केली, ठीक है, और इनके इन्होंने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों की पीएचडी कराई है। तो जॉन एल केली ने जब नारायण सर को देखा, उन्होंने बोला कि इसको ये छोड़ दो, इसको मतलब ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, ये मल्टी टैलेंटेड है, फटाफट इसकी पढ़ाई कराओ। तो इन्हीं की ही एडवाइस पे एमएससी का एग्जाम इनको जल्दी जल्दी दिलाया गया था। उसके बाद जॉन एल केली ने बोला कि ये यहां क्या कर रहा है, इसको और अच्छे रिसोर्सेस की जरूरत है, तो इसको अमेरिका भेजो, फटाक से इसकी पढ़ाई पूरी करवा के अमेरिका भेजो। तो नारायण सर गए अमेरिका, वहां पे इन्होंने 1965 में पीएचडी की, पीएचडी में एडमिशन लिया, ठीक है, पीएचडी में एडमिशन लिया, और इनका जो सब्जेक्ट था वो ये था साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी। अब साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी दोस्तों, इसको कर्नल हिल्बर्ट स्पेस भी बोला जाता है, हिल्बर्ट स्पेस काफी ज्यादा एक टेक्निकल टॉपिक है, उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्पेस होते हैं, ठीक है, तो हिल्बर्ट स्पेस भी उसमें से एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही टफ सब्जेक्ट है ये, इतना आसान नहीं है। मैथमेटिकल कंसेप्ट हिल्बर्ट स्पेस का जो डेविड हिल्बर्ट ने दिया था, ये एक्चुअली यूक्लिडियन स्पेस की बात करती है, ठीक है ना, वेक्टर एल्जेब्रा और कैलकुलस को एक्सटेंड करती है एक तरीके से, ठीक है, टू डायमेंशनल जो यूक्लिडियन प्लेन होता है ना, छोड़िए, अच्छा छोड़िए उसको अभी। तो साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी की थ्योरी पे इन्होंने पीएचडी की। उसके बाद 4 साल लगे इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। 1969 में तुरंत इनकी जॉब कहां पे लग गई, बहुत लोगों का सपना होता है नासा जाने का, तो नासा में इनकी जॉब लग गई। अब इसी वक्त दोस्तों आपको याद होगा अपोलो मिशन चल रहा था। अब अपोलो मिशन जब चल रहा था तो चांद पे भेजना था अमेरिका को अपोलो,
मैंने पूरा लेक्चर कवर किया है दोस्तों अपोलो पे, ठीक है। अपोलो 13 आप जरूर देखिएगा कि जो अमेरिका ने चांद पे अपोलो यान भेजा था वो कैसे भेजा था, और उसके बाद फिर भैया नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, तो वो पूरी कहानी मैंने बताई है। तो जब अपोलो मिशन का लॉन्च हो रहा था तो उसमें 31 कंप्यूटर बंद पड़ गए। अब तुरंत लॉन्च कर रहे 31 कंप्यूटर बंद, तो यहां पे नारायण सर रेस्क्यू में आए। फटाफट उन्होंने कैलकुलेशन की, एक वैल्यू निकाली और उसमें बोला कि इस वैल्यू पे चलो, और उसके बाद सारे कंप्यूटर स्टार्ट हो गए। तो यहां पे नासा के अपोलो मिशन को भी इन्होंने बचा लिया, बहुत बढ़िया। इसी दौरान दोस्तों ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे और अपने एक और थीसिस पे ये काम ही कर रहे थे। फिर हम ये देखते हैं कि भारत का जो प्यार है इनको भारत ले आया, नासा में बहुत टाइम तक काम कर लिया, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ सीख साख के आ गए। अब भारत आइए, भारत में आईआईटी कानपुर दोस्तों, आईआईटी सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भारत का, आईआईटी में ये पढ़ाने लगे। देख रहे हैं ना, भारत के सारे प्रतिष्ठित संस्थानों में इन्होंने पढ़ाया है। आईआईटी कानपुर में इन्होंने पढ़ा, मतलब ये टीचर रहे। उसके बाद इन्होंने जो सबसे एक और प्रतिष्ठित संस्थान जिसमें एडमिशन ही लेना बहुत मुश्किल होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR में भी, ये बॉम्बे में जो है TIFR में भी ये पढ़ाने लगे। और हाँ, जब ये नासा में थे, इनकी जो पीएचडी है, अच्छा एक और चीज, इनकी जो पीएचडी है वो कैलिफोर्निया बर्कले से इन्होंने पूरी की, ठीक है ना। जो 4 साल की इन्होंने पीएचडी पूरी की वो कैलिफोर्निया बर्कले इंस्टीट्यूट से, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जॉन एल केली इनके एडवाइजर थे, डॉक्टोरल एडवाइजर। किसी के अंडर में आपको पीएचडी करनी होती है ना, तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद फिर ये भारत आ गए, आईआईटी में पढ़ाया, TIFR में पढ़ाया इन्होंने, आईएसआई कोलकाता में परमानेंट फैकल्टी रहे। फिर इनकी शादी हो गई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं इनकी शादी हो गई, और जब इनकी शादी हुई 1974 में, उस तब ये बीमार थे, मतलब बीमार रहने लगे थे, ठीक है, और इनको सिजोफ्रेनिया हो गया दोस्तों। ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान भूलने लगता है, अजीबोगरीब बातें बोलने लगता है, समझ में नहीं आता उसको बोलना क्या, चीजों में फर्क नहीं वो कर पाता है, और बहुत ही एकदम ये डेंजरस बीमारी होती है। लेकिन ये ज्यादा, ये जो बीमारी होती है ये जब आपकी उम्र हो जाती है, ठीक है, 60-70 साल में बहुत लास्ट पे ये बीमारी होती है। लेकिन दोस्तों जो साइंटिस्ट होते हैं जिनका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, उनका दिमाग वल्नरेबल भी ज्यादा रहता है, ये भी एक सच है। हमने देखा कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों को ऐसी दिमागी बीमारियां हो जाती हैं जिनका दिमाग बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का होता है, एक्सट्रीम लेवल पे चलता है, उनका दिमाग वल्नरेबल ज्यादा रहता है, तो उनको मेंटल डिसऑर्डर्स हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो यहां पर इनको जब सिजोफ्रेनिया हुआ, चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। उसके बाद काफी ज्यादा दिक्कत हुई। फिर ये जो इनका पूरा इन्होंने अपना जीवन है, ठीक है, 1980 के बाद इन्होंने बिहार में ही, ठीक है, वहीं पे ही अपने घर में ही इन्होंने बिताया, और फिर गेस्ट लेक्चर्स ये लेने जाते रहते थे। 2014 में इनको एज अ गेस्ट फैकल्टी भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी में भी इनको शामिल किया गया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक सम्मान था, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसी वजह से इनकी पत्नी ने भी इनको तलाक दे दिया, पत्नी भी इनको छोड़ के चली गई, काफी अकेलापन भी रहता था, बड़ी दिक्कत थी। अब यहां पे यही बोला जाता है कि अगर ये अपना काम कंटिन्यू रखते तो डेफिनेटली ये दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक होते, और कुछ इतना बड़ा कर देते मैथ्स की फील्ड में जो किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इनका जो देहांत है कल हुआ, 14 नवंबर 2019 में, पटना में हुआ दोस्तों, ठीक है। हॉस्पिटल में इनको तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया। जब इनका देहांत हुआ तो कोई भी एम्बुलेंस इनको लेने ही नहीं आई, 1.5 घंटा हो गए दोस्तों, शव वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। इनके परिवार वाले बोलते रहे, इतना पैसा तो था नहीं, सरकार को इतना ज्यादा इनको सपोर्ट नहीं करती थी, कोई भी सम्मान इनको नहीं मिला, बड़ी दिक्कत थी। फिर जब बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को ये बात पता चली, अच्छा नीतीश कुमार खुद भी, मैंने इनकी बायोग्राफी रिव्यू की, आपको पता ही है काफी सोशलिस्ट, बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर हैं ये भी, और खुद भी इंजीनियर हैं, खुद भी बहुत, मतलब पढ़ाई का, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर जो पढ़ाई का महत्व समझते हैं, तो नीतीश कुमार को जब पता चली तो आनंद फानंद में वो गए, और इनके लिए रेड कार्पेट बिछा दी गई। फटाक से जब पता चला कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो वहां के प्रशासन ने तुरंत इंतजाम किया, नीतीश कुमार आए, प्रणाम किया, अंतिम यात्रा जो थी उसमें साथ थे। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि नीतीश कुमार जब वापस गए, इनके परिवार ने बोला कि हम, हमारी आखिरी इच्छा है कि इनका राजकीय सम्मान हो, तो नीतीश कुमार ने तुरंत बोला बिल्कुल होगा। उसके बाद सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो इंटरव्यू कल से आप देख ही रहे हैं,
एक मिनिस्टर्स ने ये बोला, आई थिंक वो बीजेपी का था, उन्होंने ये बोला जब उनसे पूछा गया कि एम्बुलेंस तक इनको मुहैया नहीं कराई, तो उन्होंने बोला बिल्कुल गलत है, लेकिन जब रिसर्च की मीडिया वालों ने, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तब ये पता चला कि बिल्कुल कोई एम्बुलेंस नहीं, कुछ भी, हॉस्पिटल की बिल्कुल लापरवाही थी। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नारायण सर को कुछ भी यहाँ पे मुहैया नहीं करवाया। उसके बाद फिर बहुत बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे, उन्होंने भी ट्वीट किया कि बहुत बड़ा लॉस है। मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूँ बेसिकली, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, सैडेंड बाय द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण सिंह, इन हिज डेथ द कंट्री हैज लॉस्ट वन ऑफ इट्स रियल टैलेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। अब वही चीज है कि जब रियल टैलेंट है तो ये उस समय कहाँ गया था जब ये जिंदा थे, और ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों। प्रॉब्लम यही होती है कि जब कोई मर जाता है, जब कुछ मर क्या, जब किसी का देहांत हो जाता है तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कितने टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, जो जिनका देहांत हो गया और जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब इस तरीके की खबरें आती हैं, जब उसका इश्यू बन जाता है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंची या बड़ा खराब व्यवहार हुआ इनके साथ, तब जाके फिर ये लैम लाइट में आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रेयर टैलेंट्स को हमको पहचानना चाहिए, क्योंकि देश जो है वो इन्हीं टैलेंट्स की ही वजह से आगे बढ़ता है। अगर ये वैज्ञानिक हम ऐसे खोते रहेंगे और इनके टैलेंट को वेस्ट करते रहेंगे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला, ठीक है। तो ये चीज है, फिलहाल हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और हम चाहेंगे कि जो भी इस समय जिनकी भी खराब हालत है और जिनको जरूरत है सरकार की, सरकार उनकी मदद करे, जो जिन्होंने भी भारत के लिए कुछ भी किया है, ठीक है। इस समय अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे, आप बीमार भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको हम छोड़ दें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम यही चाहेंगे, हम यही प्रार्थना करेंगे कि वशिष्ठ सर की आत्मा को शांति मिले। तो ये लेक्चर था दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।